प्लेस्टेशन 5 के लिए भाई जितने भी गैजेट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अवेलेबल थे ना, हमने सब मंगवा लिए है। आज की वीडियो में सबको अनबॉक्स करेंगे और भाई टेस्टिंग करके देखेंगे कि एक्चुअल में पैसा खर्चना इन पे वर्थ है या नहीं है। सबसे पहले लिए हमने ये छोटू से थंब ग्रिप, ये यूज आते हैं हमारे भाई कंट्रोलर के लिए, तो इसको पहले अनबॉक्स करें। तो इस तरह से ये दोनों प्लास्टिक से बने हुए थंब ग्रिप्स है जो डायरेक्टली हमारे कंट्रोलर के जॉयस्टिक्स पे ऐसे फिट हो जाते हैं। इसको भी लगा देते हैं भाई। दिखने में तो भाई कंट्रोलर ना बहुत कूल सा लग रहा है, बट प्रैक्टिकली भाई इतना ज्यादा ना यूजफुल लग नहीं रहा, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा ऊंचा हो रहा है जिसकी वजह से ऐसे यूज करना मुश्किल हो पा रहा है। साथ ही साथ में मुझे लगता है अगर मैं ज्यादा यूज किए, देखो ज्यादा यूज करूंगा तो ये निकल भी जा रहा है, इतनी कुछ ग्रिप इसकी खास नहीं है। एक इस टाइप के मैंने और थंब ग्रिप्स लिए हैं। इनका फायदा ये है ये ना ज्यादा ऊंचे नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छे फिट बैठेंगे। हाँ देखो ये इतने ऊंचे नहीं है ना, तो आराम से यूज करने में कोई दिक्कत हो नहीं रही है और ये निकलेंगे भी नहीं जल्दी से, ये देखो। तो मेरे ख्याल से तो ये वाला साइज जो है काफी सही है। अच्छी क्वालिटी के थंब ग्रिप्स आपको आराम से 150 से 200 रुपए में मिल जाएंगे। अगला गैजेट जो है ये मोबाइल गेमर्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, जो चाहते हैं कि वो PS5 का कंट्रोलर ना अपने मोबाइल के साथ यूज कर पाए, तो उनके लिए ये क्लैंप है। कोई KJH करके ब्रांड है, ऑब्वियसली चाइना का ही प्रोडक्ट होगा। सिंपल सी अनबॉक्सिंग है, कुछ खास नहीं है, अपना इस तरह का इसमें डिवाइस निकलता है जिसको आप अपने कंट्रोलर के साथ कुछ इस तरह से क्लैंप कर सकते हो। अब जो है आपका PS5 का कंट्रोलर आपके मोबाइल के साथ भी काम आ जाएगा। अब जो है आप अपने PS5 के कंट्रोलर को फोन के साथ पेयर करके मस्त कोई भी गेम के मजे ले सकते हो। देखो भाई साहब पूरा ऐसा लग रहा है ना कि तगड़ा सा कोई कंसोल ही हो, बट भाई भारी बहुत हो गया, क्योंकि एक तो iPhone 13 Pro Max है और कंट्रोलर भी PlayStation 5 का ओरिजिनल है, तो दोनों मिला के ना अच्छे खासे भारी भरकम बन चुका है सेटअप अपना। प्राइस की बात करें तो ये भी आपको 1000 रुपए से अंदर अंदर आराम से मिल जाएगा, क्योंकि इसमें ना कुछ भी कनेक्टिविटी वाली चीज नहीं है, सिर्फ क्लैंप ही है। और 1000 भी छोड़ो, 250-300 रुपए का ही होगा शायद से। अच्छा इसको कंट्रोल करने के लिए ना यहाँ पे छोटा सा बटन दे रखा है, तो मैं इसको प्रेस करूंगा फिर जो है ये आराम से मूवमेंट हो जाएगी इसकी, बिना इसके देखो मूवमेंट नहीं होगी। एक हिसाब से आप इसको लॉक टाइप का कह सकते हो। ये तो PS5 के कंट्रोलर के लिए था, सेम PS4 के कंट्रोलर के लिए एंड साथ ही साथ Xbox के कंट्रोलर के लिए भी क्लैंप मिलते हैं। प्राइस सबका सेम था, मैंने PS5 वाला लिया। अगला प्रोडक्ट है ये PlayStation 5 के लिए कूलिंग फैन। इंडिया में आपको पता ही है भाई गर्मी बहुत पड़ती है, जिसकी वजह से अगर आप 2-4 घंटे रेगुलर जो है वो यूज करते हो ना कंसोल को, तो बहुत जल्दी हीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये डिवाइस आप यूज कर सकते हो अपने कंसोल को ठंडा करने के लिए। डायरेक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे USB का आपको पोर्ट मिल जाता है, जो आपके PlayStation 5 के बैक साइड में कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो तीन फैन है ना, 1, 2, 3, ये तीनों के तीनों एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके कंसोल को ना मस्त चिल्ड सा बना देंगे। तो फटाफट से इसको कनेक्ट करके देखते हैं, ट्राई करके कि हाँ यूजफुल है भी या नहीं है। देखो बैक साइड में 2 यहाँ पर अपने USB पोर्ट्स है ना, सिंपली इसको यूं कनेक्ट कर देना है। पूरा डिजाइन जो है इसको देख के ही बनाया गया है। साथ ही साथ में अब जो USB पोर्ट आपका यूज हो रहा है ना, उसकी जगह एक और USB आपको पोर्ट पीछे ही मिल जाएगा, और एक ये ऑन ऑफ का बटन है, तो यहाँ से हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। और फैन आप देख सकते हो तीनों एक्टिवेट हो चुके हैं। आवाज सुनो, तो मेरे ख्याल से भाई काफी सही हवा फेंक रहा है ये मुझे भाई काफी सही यूजफुल चीज लगी। और जिस हिसाब से इसके पोर्ट्स ऐसे माउंट बना रखे हैं ना, एग्जैक्ट PlayStation 5 के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। काफी अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप इंडिया जैसे देश में रहते हो तो, या फिर उनके लिए भी यूजफुल है जो लोग शेल्फ के या ड्रॉर के अंदर अपने कंसोल को रखते हैं ना, उनको प्रॉपर एयर वेंटिलेशन नहीं मिल पाता, तो ये फैन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्प कर देगा आपके कंसोल को ठंडा रखने में। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये डोबी की तरफ से आने वाला स्टोरेज स्टैंड। डोबी भाई काफी फेमस ब्रांड है, हमने बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट इसके टेस्ट करे, चाहे वो PS3 के लिए, PS4 के लिए, PS5 के लिए, Xbox के लिए, बहुत ढेरों गेमिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। शायद से ये भी चाइना का ही ब्रांड है, मुझे कंफर्म नहीं है वैसे। ये जो प्रोडक्ट है ना स्टोरेज स्टैंड, ये PS के लिए भी, Xbox के लिए भी और Nintendo के लिए भी है। कोई भी आपके पास कंसोल है उसकी ऑब्वियसली भाई डिस्क तो होंगी होंगी ना, अब वो डिस्क ऐसी इधर-उधर पड़ी रहती है, उससे अच्छा आप इस तरह का स्टोरेज स्टैंड ले सकते हो और इस पे प्रॉपर जो है वो डिस्क को अपनी सेटअप कर सकते हो। डोबी ना प्रोडक्ट के साथ-साथ भाई पैकेजिंग भी तगड़ी करती है, मतलब लगता है कि कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट यूज कर रहे हो आप। तो ऐसे टोटल 4 टुकड़ों में आपको डब्बे के अंदर सामान मिलेगा, जिसको हमें खुद से असेंबल करना होगा। इजी है भैया, असेंबलिंग कुछ नहीं है, जोड़ नहीं है बस। ये देखो भाई बड़ा सिंपल सा था, चारों हिस्सों को अच्छे से जॉइन करना, कुछ इस तरह से जो है वो स्टैंड बन के रेडी हो गया हमारा। अब इसमें डिस्क लगाना बहुत इजी है, या तो आप इसको वर्टिकली रख दो या फिर इसको लेटा के रख दो, और यहां पर जो है सारी डिस्क आपकी जो है इकट्ठा हो जाएगी। इसके ऊपर B-roll डाल देना। चलो मुझे तो भाई काफी यूजफुल गैजेट लगा ये, पहले मेरी जैसी डिस्क इधर उधर पड़ी रहती थी ना, अब वो कम से कम मैनेज रहेगी अच्छे से। अगला प्रोडक्ट है ये मिकी मैन की तरफ से 8-in-1 गेम सेट। अगर आपने एक PlayStation 5 लिया और उसकी एक्सेसरीज आप लेना चाहते हो, तो ये एक ही सेट ले लो, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, जैसे कि कंट्रोलर के ऊपर की स्किन, हेडफोन्स, कंट्रोलर्स को चार्ज करने के लिए डॉक, USB केबल, पीछे आप देख सकते हो थंब ग्रिप्स भी है, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो लिखा हुआ है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इसका मतलब है भाई हमारे जो कंट्रोलर्स है एकदम मस्त स्पीड में चार्ज हो जाएंगे। इस तरह की कुछ पैकेजिंग
पैकिंग मिलती है, इसी के अंदर सारा हमारा माल मसाला दे रखा है। सबसे पहले तो ये हेडफोन्स जो भाई ठीक ठाक से है, मतलब वायर की लेंथ भी सही सही से मिलती है और क्वालिटी भी इतनी कुछ अच्छी भी नहीं है, इतनी बुरी भी नहीं है, बट कंफर्टेबल तो भाई बिल्कुल नहीं है। मतलब आप पहन पाओगे आधा घंटा एक घंटा, उसके बाद आपके कानों में दर्द होने लग जाएगा क्योंकि इसकी फिटिंग विटिंग ना ढंग से बैठ नहीं रही। बाकी ऑडियो की बात करें तो ठीक ठाक सी क्वालिटी थी, ना कुछ इतनी खास ना इतनी बेकार। मतलब अगर आपको सस्ते में कोई कॉम्बो चाहिए तो ये मस्त आप ले सकते हो, जुगाड़ आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा एक टाइप सी केबल मिलती है जो यूज आएगी भाई आपके इस डॉक के लिए। फिर ये जो यूएसबी आप या तो डायरेक्ट अपना कोई भी पावर जो अडेप्टर आता है उसके थ्रू यूज कर लो, या फिर इसी को आप अपने प्लेस्टेशन 5 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो ताकि इसको पूरे को पावर मिले, और उसके बाद फिर दो कंट्रोलर्स को एक साथ आप चार्ज कर पाओगे साथ साथ ही। जैसे एक मैंने लगा रखा है, एक ये पीछे भी दे रखा है, तो ये टाइप सी के थ्रू चार्ज हो रहा है, इसलिए डब्बे पे लिखा होता फास्ट चार्जिंग। अभी कितनी फास्ट है वो तो हम टेस्ट करेंगे। अच्छा, सेम ऐसी एक्सेसरीज ना सोनी की ऑफिशियल भी आती है PS5 के लिए, चार्जिंग जो डॉक है, बट वो भाई बहुत महंगा है, शायद से 3,000 या 3,500 का है, और ये आपको पूरा कॉम्बो ही मेरे ख्याल से 2,000 रुपए में मिल जाता है, जिसके अंदर आपको इतनी सारी चीजें मिलती है और क्वालिटी भी ठीक है। देखो कंट्रोलर पूरा टिका हुआ है, निकल नहीं रहा जल्दी से, तो मेरे हिसाब से ये तो पैसा वसूल है। इसके अलावा PS5 के कंट्रोलर के लिए स्किन मिल जाएगी ब्लैक कलर की, जो हम नहीं यूज करेंगे। साथ में चार ये थंब ग्रिप्स भी मिलते हैं, जो हम आपको सबसे पहला प्रोडक्ट यही था, तो अगर आपको अलग से नहीं लेने तो प्लेन से इस सेट में भी ले सकते हो। ओवरऑल मुझे ये पूरा का पूरा पैकेज भाई इतना कुछ खास लगा नहीं, जिसमें ना ये चार्जिंग डॉक ही प्रॉपर आपका पैसा वसूल करवा पाएगा। हेडफोन इतने कुछ खास नहीं थे, बट हाँ बजट में अगर चार चीजें लेनी है तो ले सकते हो। तो यहाँ पर अपना टाइप सी के थ्रू कंट्रोलर कनेक्ट हो गया, एंड पीछे की साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर जो है डिस्क के लिए स्पेस दे रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल 11 डिस्क आप इसमें खड़ी कर सकते हो। अब ये जो स्टैंड है ना बिल्कुल एग्जैक्ट फिट नहीं है, जैसे ही मैं प्लेस्टेशन उठाऊंगा देखो नीचे वाला नीचे ही रह जाएगा, तो इसके लिए साथ में एक पेच दे रखा है जो हमें ओरिजिनल प्लेस्टेशन 5 के साथ भी मिलता है। तो स्टैंड के नीचे की साइड में आपको इसको ऐसे इंसर्ट करना है और यहाँ से आप इसको कस सकते हो, जिससे कि प्लेस्टेशन जो है वो स्टैंड के साथ ही माउंट हो जाएगा मस्त। अब देखो मैं अपना PS5 उठाऊंगा भी, तब भी ये जो कूलिंग फैन है इसके साथ ही स्टैंड मतलब ज्वाइन रहेगा। पावर के लिए ये टाइप सी पोर्ट है, यहाँ पे कनेक्ट करा, ऑन ऑफ का बटन दे रखा है फैन का, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा USB स्लॉट मिल जाता है। इसके केबल में भी ना एंड में 2 USB पोर्ट दे रखे हैं, तो इसको भी आप प्लेस्टेशन के पीछे बैक साइड में दोनों कनेक्ट कर दो मस्त। उसके बाद आपको अपने PS5 को पावर देनी है और आपका जो कूलिंग स्टैंड है ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये कूलिंग के लिए और पीछे डिस्क लगाने के लिए तो सही है, बट आगे के ये जो दोनों चार्जिंग वाले सॉकेट्स है ना भाई, ये कुछ खास स्पीड आपको ऑफर नहीं करेंगे, आपके कंट्रोलर जो है बहुत स्लो चार्ज होंगे। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा इसका जो आप कनेक्शन है ना वो डायरेक्ट किसी एडेप्टर में दे दो, ना कि अपने PS5 में, ताकि जब आप PS5 को ऑन ना भी करो ना तब भी आपका कंट्रोलर चार्ज होता रहे साथ साथ। आज की वीडियो का लास्ट गैजेट है हमारा ये इतना बड़ा सा बैग, इसके अंदर क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जरा पन्नी फाड़ ली जाए, भाई साहब अच्छी क्वालिटी का सूटकेस सा लग रहा है पूरा, और आगे लिखा भी है 4 PS5। सिंपल चेन मैकेनिज्म है, इस तरह से खोलते हैं, क्वालिटी भाई बहुत तगड़ी है, मजा सा आ गया बाहर से ही। एक ये स्ट्रैप दे रखा है इसको लटकाने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो जगह है ना भाई यहाँ पर रहेगी हमारी मस्त एकदम प्लेस्टेशन 5। ये देखो भाई इस तरह से PS5 अपना पूरा फिट आ गया इसके अंदर। फिर ये जो ऊपर के स्ट्रैप है इसको भी बंद कर देते हैं ताकि ये हिले डुले ना। ये जो एरिया यहाँ पे काफी पॉकेट्स बनी हुई है, अपनी वायर्स वगैरह आप डाल सकते हो, लेकिन मेन चीज आती है भाई इसके नीचे। ये देखो जैसे ही मैं इसे हटाऊंगा नीचे आपको भाई पूरा कंपार्टमेंट मिल जाता है एक एक चीज रखने का, जैसे कि आप यहाँ पर अपने 2 कंट्रोलर रख सकते हो, दूसरा यहाँ आ जाएगा, अगर आपके पास हेडफोन है हेडफोन यहाँ रख सकते हो, कैमरा है यहाँ रख सकते हो। तो सारी की सारी एक्सेसरीज ना एक ही बैग के अंदर आपके पैक हो जाएगी। फिर इसके बाद इसको करो बंद, अपना जिप विप लगाओ, और कहीं भी इसको लेकर जाना है आपको अपने नानी के घर, दोस्तों के घर या ट्रिप पे, तो मस्त बैग में पैक करके सेफली ले जा सकते हो। ये मटेरियल भी बहुत तगड़ा है, मतलब इसको अगर मैं नॉर्मल पटकूंगा अभी तो कंसोल पे इतना फर्क नहीं आएगा, ऑब्वियसली चलती गाड़ी से फेंक दोगे फिर तो खराब होगा, होना ही होना है। वैसे ओवरऑल जो है काफी अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा आपके PS5 के लिए। प्राइस की बात करें तो मेरे ख्याल 2,500-3,000 रुपए के आसपास था ये, और जितने भी मैंने इस वीडियो में आपको प्राइसेस बताए ना भाई वो एग्जैक्ट प्राइसेस नहीं है, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं है कौन सा प्रोडक्ट कितने का था, इसलिए जहां से मैं इसको इनको लेकर आया उसका मैंने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही में मैंने ब्लॉग भी बनाया था ये सारे प्रोडक्ट खरीदने का, वो वीडियो भी आप चेकआउट कर लेना, आपको डिटेल्स शॉप की मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन देख लोगे तो वैसे ही पता चल जाना है। अपना कॉल करो और कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है उसकी डिटेल लो और करोल बाग जाके ले आओ मस्त। बाकी कैसी लगी भाई आपको ये वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप खरीदने वाले हो वो भी बता देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, 1 मिलियन होने वाले हैं, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।